हेलो क्लास टू, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर मैडम चंदा। सो चिल्ड्रेन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू यूनिट, दैट इज यूनिट 6। ओके, लाइक अदर यूनिट हियर इज ऑल्सो वन पोएम एंड वन स्टोरी। सो टुडे वी शैल स्टार्ट आवर पोएम, दैट इज मिस्टर नोबडी। मिस्टर नोबडी मीन्स श्रीमान कोई नहीं। तो लेट मी रीड द रिसाइट द पोएम फर्स्ट लेट मी रिसाइट द पोएम। यू प्लीज लिसन द पोएम अटेंटिवली एंड ट्राई टू कॉपी एज आई एम रिसाइटिंग। ओके, आई नो माई फनी लिटिल मैन एज क्वाइट एज माउस, हु डज द मिसिव दैट इज डन इन एवरीबॉडीज हाउस, देयर इज नो वन एवर sees his face, and yet we all agree at every plate we break was cracked by Mr. Nobody. So here in this poem, the poet says that in everybody house there are the little mans, means the boys who does mischief. Okay, and he do many mischief. And quietly he do like as a mouse, and suppose he break some glass, some plate, then after that he keep quietly. Okay, then somebody, if her mother, papa, mama asks, other elder asks who has done this mischief, then he remain quiet. Okay, so in everybody house there is Mr. Nobody. तो लेट मी एक्सप्लेन इन दिस पोएम इन हिंदी। तो पोएट बोल रहा है कि मैं एक मज़ेदार छोटे आदमी को जानता हूँ जो कि चूहे की तरह होता है, जो चूहे की तरह चुपचाप कोई भी मिसिव मीन्स कोई भी शरारत करने से, कोई भी बदमाशी करके, जैसे प्लेट तोड़ दिया, ग्लास तोड़ दिया और कुछ चीज़ ख़राब किया, तो वो चुपचाप रह जाता है। और घर हर घर में होता ही है, चुपचाप रहता है और उसका चेहरा कोई नहीं देख पाता, उसको चुपचाप हरकत करने के बाद में चुप हो जाता है और अपना वो नहीं लेते कि मैंने ये काम किया, क्योंकि अगर उसने कुछ काम खराब किया है, ग्लास तोड़ा है या प्लेट तोड़ी है या कोई पेपर वगैरह इधर फेंका है, तो वो चुपचाप बैठ जाता है। वो नहीं कहता कि ये मैंने काम किया है। तो सब लोग बोलते हैं ये किसने किया है, सब चुप रह जाते हैं। तो ये किसका हरकत है, ये मिस्टर नोबडी का, मिस्टर कोई नहीं का, क्योंकि किसी ने भी ये हरकत करते हुए किसी को नहीं देखा था। वो किसकी तरह होते, चूहे की तरह चुपचाप हरकत करते, जैसे चूहा को आते हुए जाते, वो इतना चुपचाप आता है कि आते हुए जाते हम नहीं देख सकता हो, लेकिन जाने के बाद में उसने जो शरारत किया होता है, जो बदमाशी किया होता है, सामान किधर उधर फेंका होता है, कुछ चीज़ खाया होता है, उसके बारे में हमको क्या होती है पता चलती है। तो हर घर में ये होती है बेटा, हर घर में बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं या बड़े भी होते हैं, जो कुछ काम करने के बाद में डर के मारे क्या करते, चुप रहता और कहता नहीं कि मैंने ये हरकत किया है, ठीक है नहीं। तो दिस इज अबाउट मिस्टर नोबडी। सो चिल्ड्रेन, दिस पोएम यू हाउ आई हैव रिसाइट द पोएम, यू ट्राई टू लिसन द पोएम लाइक दैट एंड ट्राई टू कॉपी इट and after that you have to learn this poem. Okay, and beside that you have to write this poem in your notebook and send me in my WhatsApp. Okay children, and you have to write nicely and online in cursive handwriting and send me in my WhatsApp. Okay children. Bye, bye children, take care of yourself.